हेलो दोस्तों, मैं सभी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज है 5 फरवरी 2020, तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो कृपया आप लोग जो है पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाल ही में विशाल रक्षा प्रदर्शनी यानी कि डिफ एक्सपो का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में विशाल रक्षा प्रदर्शनी यानी कि डिफ एक्सपो का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, आयोजित जो है लखनऊ में किया जाएगा। किस जगह किया जाएगा फ्रेंड्स? लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्या देखिए, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को, यानी कि वहीदा रहमान को जो है मध्य प्रदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को जो है सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में किस देश ने टिड्डियों के संकट से उबरने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने टिड्डियों के संकट से उबरने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो द कंट्री है फ्रेंड्स, ये जो है टिड्डियों से उबरने के लिए, टिड्डियों के संकट से तो जो है उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है? सही आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है फ्रेंड्स, यह देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। सही आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाल ही में किसने छोटे कारोबारियों के लिए एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम जो है फ्रेंड्स, छोटे कारोबारियों के लिए एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा इसका पेटीएम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, हाल ही में CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा एम अजीत कुमार को जो है सीबीआईसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? एम अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए, हाल ही में किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि ऑफ द ईयर पुरस्कार से पुरस्कार जीता है? सही आंसर हो जाएगा विनोद शुक्ला। जो विनोद शुक्ला हैं वो जो है पहली पुस्तक यानी कि मातृभूमि ऑफ द ईयर पुरस्कार से जीते हैं। उनका नाम क्या है? विनोद शुक्ला हैं, जो कि ये जो है इस पुस्तक के लेखक भी हैं, यानी कि विनोद शुक्ला जो है इस पुस्तक के राइटर भी हैं। कौन सी पुस्तक? मातृभूमि ऑफ द ईयर, और वे जो है पुरस्कार भी वही जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य है फ्रेंड्स हमारा, केरल राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है। तो आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको दी हुई हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।